सावन माह के अंतिम सोमवार को किया गया भंडारे का आयोजन। भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने उमड़ी लाखों की भीड़। वैसे तो भारतवर्ष में हर उपलक्ष्य में भंडारे का आयोजन किया जाता है। साल में करीबन सैकड़ों बार ऐसे पर्व आते हैं जिनमें श्रद्धालु भंडारे का आयोजन करते हैं। भंडारे में सब्जी, पूड़ी, हलवा, चना, बूंदी आदि का प्रसाद बनाकर सर्वप्रथम भगवान को अर्पित किया जाता है और फिर वह प्रसाद जनता में बांटा जाता है। सभी श्रद्धालुओं की अलग अलग मनोकामनाएं होती हैं, जिनके पूर्ण होने पर कई श्रद्धालु भंडारे का आयोजन करते हैं, तो वहीं कई श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो बिना किसी मनोकामनाएं पूर्ण हुए भी ईश्वर के नाम से भंडारे का आयोजन करते हैं। ऐसा ही भंडारे का आयोजन दूसरे वर्ष काकादेव क्षेत्र के गीतानगर में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य आयोजक के रूप में आशीष सिंह सेंगर ने भंडारा कराने का जिम्मा अपने सर पर उठाया, तो उनके साथ उनके अन्य साथी भी सहयोग में लग गए। बताते चले विगत दो वर्षों से आशीष सेंगर, धीरू त्रिपाठी, धनंजय पंडित व उनके कई अन्य साथी मिलकर सावन के माह पर भंडारे का आयोजन करते हैं। इस भंडारे में सब्जी, पूड़ी और बूंदी का प्रसाद बनाकर हजारों श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया जाता है। भंडारे का आयोजन बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि भंडारे के कारण क्षेत्र में रह रहे कई गरीब वर्ग के लोग अपने पेट की भूख को मिटा लेते हैं और उनके मन और दिल में धार्मिक भावनाएं बढ़ती हैं। आशीष सिंह सेंगर ने बताया कि इस भंडारे में उनके कई साथी सहयोग करते हैं। उन सभी साथियों के सहयोग से बाबा महाकाल के भंडारे को संपन्न किया जाता है। कैमरामैन ऋतिक गोयल के साथ सूरज कश्यप की रिपोर्ट। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।